हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ खुश रहें। और ये देखिए, मैं बना रही थी इनके लिए सैंडविच। ये कह रहे थे कि सैंडविच बना दो थोड़े से, तो इसलिए इनके लिए मैं बना रही हूं सैंडविच। इनके साथ साथ बच्चे भी मांग रहे हैं, बच्चों को भी बना के दे रही हूं। और ये देखिए गाइस, मेरा तेल तैयार हो चुका है, इसे मैं उतार लेती हूं। और इधर मैंने सभी को लगा दिया है आलू का भुट्टा, इसी वजह से मैं तैयार होती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये देखिए गाइस, मेरा लास्ट वाला भी बन चुका है, मेरे सभी बन गए हैं। मैं चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ। और ये देखिए, मेरे सभी बन के रेडी हो चुके हैं। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। और ये देखिए, मेरा कुलचा रेडी हो चुका है और छोले भी तैयार है। मैं सबसे पहले आरिश को लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला है कि मैं आरिश को खिचड़ी खिला रही हूँ और खुद बिरयानी खा रही हूँ। तो सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं आरिश को सबसे पहले नाश्ता अच्छा दूंगी, चाहे मैं इससे बेकार नाश्ता करूँ। तो जी, मैंने ये आपके सालन की तरह नहीं बनाया, इसको मैंने ऊपर से ही मिर्च और नमक से पहले से ही था, और थोड़े सा चाट मसाला डाल दिया है। और इधर देखिए, मैं बनाने लगी थी फिर दूसरे बार बच्चों के लिए चाय, क्योंकि मैंने बच्चों को सैंडविच तो दे दिए थे और इनके अब्बू को दिया था मैंने दूध। और इधर मैं अब बनाने लगी थी बच्चों के लिए चाय और कुलचा सेक रही थी। चाय हमारी बन चुकी है। और इधर ये भी मैंने चॉप कर दिए है, हरी मिर्च अभी नहीं कटकी, हरी मिर्च अभी करूँगी। और इधर एक कुलचा तैयार है ना हमारा, और ये छोले भी गर्म हो चुके हैं। बाकी के सेकने हैं जी। नाश्ता वगैरह कर चुके हैं बच्चे। आप लोग बोलेंगे कि छोले कुलचे इन्होंने बच्चों ने कल खाए थे, तो इन्होंने बोला था कि अम्मी सैंडविच के साथ में हमें छोले कुलचे भी चाहिए थे, इसलिए मैंने उनको दिए थे। वो कल के बच्चे भी छोले रखे हुए थे ना। और ये देखिए, रात मैंने सोफे के कवर चेंज कर दिए थे और बच्चों ने बैठ बैठ कर फिर से बेकार कर दिया। मैं इनको समेटती हूँ। और ये प्रेस के कपड़े डाल दिए थे मैंने थोड़े से छाट के, बाकी तय बना कर रख दिए थे। चलिए मैं इनको कर लेती हूँ, इनसे करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए, रात मैंने ये भी किया था, ऊपर से कमरे लेकर आई थी कुछ जीने में जो रखे हुए थे, जगह खिली हुई थी, तो पोछा लगाती हूँ हटा हटा के, फिर मैं थक जाती हूँ कि कितने हटाऊँ। कुछ ये रे प्लांट और कुछ है मेरे बाहर, बाहर भी ला के और मैंने रखे ऊपर से, तो ये अच्छे लग रहे हैं। मैं नीचे इसलिए नहीं लाती क्योंकि नीचे आके ना पीले पड़ जाते, मर जाते, तो ऊपर धूप मिलती थोड़ी सी तो अच्छे हो जाते। ये ना पीले पीले होने लगे, इनके पत्ते जब पीले हो जाते थे बेकार होने लगते हैं। अब मैं देखती हूँ कब तक ये चलते हैं, जब तक ये यहाँ चलेंगे मैं चलाऊँगी। चलिए मैं कर लेती हूँ सबकी, मैं चलती हूँ। और चलिए मैं आज आपको अपना स्टोर दिखाती हूँ लाइट जला के। इसकी लाइट, ये देखिए लाइट जल गई है। तो ये बॉक्स यहाँ पे नहीं था लगा हुआ, ये लगवाया था बाद में सामान ऐसे ही रखने के लिए, ताकि इसके ऊपर भी रख लें कुछ, नीचे रख लें। ये देखिए, ये कुछ बैग हैं, ये इनका सामान है बच्चों के अबू का। और ये देखिए, ये है हमारा स्लेब, और ये इसके नीचे का, इसके नीचे मैंने रखा हुआ है संदूक। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह रख लेती हूँ मैं साइड में, कुछ सामान रखने का होता है तो वो रख लेती हूँ। ये रहा यहाँ पे सिंक भी है, ये वाली इस जगह पे सिंक है, और ये सिंक के नीचे का एरिया है, ये देखिए जहाँ पानी जाता है। और ये इधर जैसे पानी की टंकी है छोटी सी, जैसे उस तरफ है ना, ऐसे इधर है। और ये सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे काम करने में ऐसा अच्छा लगता था कि मैं यहाँ खड़ी होती थी तो जीने में से जो भी आते थे तो मुझे फ़ौरन दिखते थे। और जब मैं उस किचन में शिफ्ट हुई यहाँ से, और पहले हम इस रूम में रहा करते थे, तो यहाँ से मैं कमरे में बहुत आसानी से चली जाया करती थी। कुछ भी खाना पकाना हुआ यहाँ से, इस गेट से, और ये किचन हुआ करती थी हमारी, और ये रूम था हमारा पहले, और यहाँ पर थी ये दीवार, ये दो फ्लैट थे ये, तो यहाँ दीवार थी, तो यहाँ एक ये वाला गेट था, वॉश बेसिन ये वहाँ पे था, और फिर ये जो स्टोर वाला गेट है ये स्टोर नहीं था, जैसे कि आपको बताया था, ये पूरा ओपन किचन था, यहाँ पर हाफ हाफ बस दीवार थी। और ये फिर इन्होंने ये वाला गेट तो रहने दिया, यहाँ का गेट निकलवा के स्टोर में लगवा दिया, ये स्टोर बन गया फिर हमारा, और किचन हमारी फिर वहाँ पहुँच गई, फिर दूसरा रूम हमको मिल गया। और इसी वजह से ये गाइस दो दो गेट है हमारे, देखिए जैसे कि एक ही गेट ये रहा था और एक गेट यहाँ पे हमारा इस पर्दे के पीछे ये रहा। तो कोई फ़ायदा तो अब है नहीं, क्योंकि अब हम सब एक करा लिया है, तो दो दो गेट अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन इस्तेमाल करने में बड़े परेशानी होती थी। जैसे कि इस तरफ के रूम जो था तो उसमें थी इंग्लिश सीट, जैसे कि हम यहाँ आते थे तो ये सामने दिखती थी इंग्लिश इधर, और हम तो जब इधर शिफ्ट हो गए थे तो इधर से निकल के उस तरफ का गेट खोलते थे, फिर इधर आते थे, जब इधर जाके हिंदी सीट मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने यहीं से अंदर से ऐसे ही जब एक करा लिया इसको, तो यहाँ से ये दीवार निकलवाई थी, थोड़ी थोड़ी दीवार निकलवा के और इसको एक कर लिया। लेकिन जब दो थे जब ज़्यादा बेहतर था हमारे लिए। तो चलिए मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने साफ़ सफाई कर ली यहाँ की,
ये सोफे तो साफ कर दिए हैं और ये टेबल आरिश की नहीं की, आरिश कह रहे हैं कि इसको मैं खुद साफ करूंगा। उनको पता नहीं क्या चीज कहाँ रखनी है, वो खुद से ही रखेंगे अपने उठा कर, लाइट वगैरह होगी कुछ भी हो गया तो वो कह रहे हैं मैं अपने आप रखूंगा। तो इसीलिए बस मैंने ये साफ कर दिया है। अब मैं जल्दी से लगा लेती हूँ झाड़ू। कूड़ा तो वैसे ज्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने रात ही यहाँ का झाड़ू पोछा किया था। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा कूड़ा निकल रहा, ज्यादा नहीं निकल रहा क्योंकि रात निकल चुका था कुछ कूड़ा। पौधे अपने आप के सामने आ गए तो कितना अच्छा लग रहा है। और इधर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद में खाने का देखती हूँ खाने में क्या बनता है। और ये देखिएगा इस सोफे के कवर पूरे नहीं है मेरे पास, इनके कवर पूरे नहीं मिले, पता नहीं इनके कवर कहाँ गुम हो गए। ये मुझे बाजी ने दिए थे कि भाभी आप अपने सोफों पर ये कवर डाल ले रहे हैं, ये आपके ही सोफों के कवर हैं। तो ये जी जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे सोफों के कवर डार्क कलर के थे, तो स्कूल से गेस्ट वगैरह आए थे, अम्मी के स्टाफ आए थे मुझे देखने के लिए, उनकी दावत थी, तो अम्मी ने उस टाइम पर ये वाले सोफे के कवर लिए थे लाइट कलर के, तो अम्मी ने यही डाले थे। तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं मेरी तरह। तो जी देखो इन सोफों के कवर की वजह से मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी कब हुई थी। मेरी शादी हुई थी 11 नवंबर को, आज से 13 साल पहले। तो मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, पूरे 24 साल लग चुकी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है 2 साल हुए मेरी शादी को, और इसी वजह से ये सोफे के कवर भी ख़राब हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। बस मैंने वैसे ही डाल लिए, थोड़े से सही लग रहे थे मुझे वो उतारने के बाद में। अच्छे तो ये बहुत ही थे, अच्छे भी निकले हैं, इनका माल भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। और जो भी चीज़ लेती हैं सासों में तो वैसे भी अच्छी लेती हैं। और ये सोफे के कवर भी अम्मी के ही थे, तो ये भी इसलिए पूरे नहीं है। इनका एक तीन का सेट तो है मेरे पास, और ये भी वैसे पूरे नहीं है मेरे पास। ये भी मुझे उन्होंने दिए थे क्योंकि उन्हीं के सोफों के कवर का था ये, अम्मी के पास थे ना पहले से ही। अम्मी की शादी की वो थी 6 चेयर जो होती थी पहले, एक टेबल होती थी तो वो थी, उन पर डाला करती थी अम्मी इनको। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ जल्दी से पोछा। सर्दी में तो पोछा जल्दी से लगाओ, सूखा सूखा जल्दी से सुखाओ, क्योंकि पंखे भी नहीं चला सकते ना। अब चलाती हूँ तो बच्चे रोकते हैं कि अम्मी अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। ये देखिए मेरी साफ सफाई यहाँ की बिल्कुल हो चुकी है और पोछा भी लग गया है। टेबल आरिश से मैंने जैसे कि आपसे कहा तो टेबल आरिश साफ करेंगे। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब इसी वजह से भाई यहाँ डाल देती हूँ कि ये पर्दे, ताकि मेरा इधर का काम हो गया, फिर बाद में दूसरी साइड का काम करूँ। तो मैं तो जी दीवार लगा देती हूँ, मैं इनके अबू को बोलती हूँ ये लो आरिश के अबू देखो मैंने दीवार लगा दी फिर से। तो दीवार लगा के मुझे तो अच्छा लगता है। वो कहते हैं पर्दे हटा दिया करो, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे डरे अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ की साफ सफाई कर लूँगी। और ये देखिए मुझे मिल गई थी एक पन्नी, रात इनके अब्बू बोल रहे थे कि तुमने यहाँ तो बिछा दी है और यहाँ नहीं बिछाई, तो मेरे पास ये था नहीं तो मुझे अभी मिल गई पन्नी, तो ये पन्नी मैंने काट दी है। अब इसकी साइज़ की इसको काटूंगी और इसको फिर लगाऊंगी। और ये देखिए इसको मैंने फोल्ड कर दी थी, ये बड़ी थी ज़्यादा, इससे मेरा दीवार बन चुका है पन्नी से, अच्छी लग रही है ना। ये देखिए अच्छी लग रही है। ये भी पत्थरझटे का पौधा है, ये हमारा ख़राब हो चुका, काफ़ी बड़ा था, अच्छा था ये, इसके पत्ते भी सूख चुके हैं और कई पत्ते तो इसके खुद से ही टूट गए, तो ये भी मेरे ख्याल से ख़राब ही हो जाएगा, ये अच्छा होगा नहीं। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी इसको अच्छा रखने की, इसकी रखवाली बहुत अच्छे से करी थी। और देखिए ये पौधा भी था, ये काफ़ी लंबा हो चुका था, इसको भी बंदरों ने खा खा के छोटा सा कर दिया, ये काफ़ी लंबा हो गया था। और ये मेरे देवर लाए थे, एक ये लाए थे एक बाहर रखा हुआ है, तो उनको भी खुशी हुई थी कि मैं भी ला के कुछ लगाऊँ, तो बस दो ही लाए थे तो ये मर गए थे, तो इसलिए मुझे मेरे हवाले कर दिया कि भाभी आप पाल लो इनको। काम मेरा हो चुका है सारा, बर्तन वगैरह भी कर चुकी हूँ मैं, किचन मेरी हो चुकी है। अब आ गई थी मैं प्रेस करने के लिए, ये कुछ कपड़े हैं थोड़े से ही हैं, इनको प्रेस कर लूँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ सेक लेती हूँ, मुझे सर्दी लगी, ठंडा ठंडा पानी था बहुत ही ज़्यादा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।